तो व्हाट्सएप गाइस, अगर आप फ्री कैट में नए हो और आप फ्री कैट सीखना चाहते हो अभी हिंदी में, तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है। और ये वीडियो को मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है और बहुत फास्ट फॉरवर्ड में मैंने बोला भी है। तो ध्यान से सुनना और कौन कौन सा ऑप्शन में क्लिक करते जा रहा हूँ वो देखते रहना स्क्रीन पे। ओके, ध्यान से देखते रहना। और मैंने कुछ कुछ ऑप्शन को अगर आप मिस्टेक करके नहीं देख पाए तो उसका मैं साइड में छवि भी दे दूंगा। ओके, तो आप वीडियो को एंजॉय करना, क्योंकि समय सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ही छोटा बनाया हूँ, बहुत ही कट छट करके फास्ट फॉरवर्ड करके छोटा बनाया हूँ। नहीं तो मैं एक घंटे का भी वीडियो बना सकता था, पर कोई देखता नहीं, कुछ मतलब लाभ नहीं होता। तो इसलिए वीडियो को एंजॉय करो और मैं मिलता हूँ वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय। तो अगर आप फ्री कैट में नए हैं तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है। मैं इसमें आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगा और एंगल कैसे करते हैं ये भी आखिर में बताऊंगा। तो हम फ्री कैट को ओपन कर लिए हैं, उसके बाद हमने पेज को ओपन कर लिया, उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पार्ट डिजाइन में। ओके, अगर आप नए हो फ्री कैट में तो पूरा देखो, आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। तो यहाँ से हम स्केच ऑप्शन को क्लिक करते हैं। स्केच ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम अपना एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे। एक्स वाई प्लेन को मैं हमेशा सिलेक्ट करता हूँ, इसलिए वही को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं लाइन टूल को लिया। लाइन टूल से क्या होता है, बेसिकली हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल बात है। सिर्फ लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, हम इसको खुद के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि फ्री कैड को मैंने अभी बताया ही नहीं कि इसका मेन डायमेंशन क्या है, तो मैं इसका दो पॉइंट्स को क्लिक किया, उसके बाद इस वाले से एक डिस्टेंस मैंने मेजरमेंट कर दिया, फ्री कैड को बता दिया कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ए है। हम इसमें क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो, ये सेंटर पॉइंट से इस दूरी पर ही रहेगा, मैं जहां भी इसे ले जाने की कोशिश करूं ये इस दूरी पर ही रहेगा। ओके, अब देखो मैं वाई एक्सिस के साथ एक मेजरमेंट कर देता हूं, इसको डिलीट कर दिया। अब देखो वाई एक्सिस के साथ मैं फिर से एक मेजरमेंट कर देता हूं 2 मिलीमीटर। अब देखो मैं इसको जहां पर भी ले जाऊं ये वाई एक्सिस के पैरेलल ही चलेगा और 2 मिलीमीटर डिस्टेंस बजाय रखते हुए। ओके, अब मैं एक्स एक्सिस के साथ भी एक्स एक्सिस को सिलेक्ट किया और उस डॉट को सिलेक्ट किया, इसको भी मैं वो सिलेक्ट करने से यहाँ पर काला कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं, उसको आप इग्नोर कर दो, वो कभी कभी हो जाता है और कभी कभी चला भी जाता है। अब सामने का पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, फ्री कैट को बता दिया कि इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड है। अब देखो इसको हम एक्सिस से पैरेलल कर दिया, देखा मैंने कौन सा बटन दबा, अब वो पैरेलल हो गया। मैं सिर्फ एक ही सिर को इधर उधर कर सकता हूँ, तो इसे भी मैं एक डायमेंशन दे देता हूँ। मतलब मैं बारी बारी करके फ्री कैट को बता रहा हूँ कि इस जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया है ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कहाँ पर है। ओके, तो मैं धीरे धीरे डायमेंशन दे रहा हूँ। वो देखो ब्लैक डॉट सा हट गया, जो भी हो पूरा ग्रीन हो गया है, मतलब फ्री कैट को पता है कि ये लाइन कहाँ पर है। इसके बाद हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क जिसको बंगाली में कहते हैं वृत्तचाप। ओके, देखो इस वाले ऑप्शन से हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ये देखो। उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट, ये देखो इस वाले बटन से कांस्टेंट कर दिया। ओके, कांस्टेंट करने के बाद हम इनको अलाइन कर देंगे, दो लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस ऑप्शन को क्लिक किया, ये देखो ये जस्ट दिखा रहा है कि अलाइन हो गया। ओके कर देते हैं, ये देखो अलाइन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन टूल को ले लिया, वो हमारा डायमेंशन चेंज हो गया। तो आप किसी भी, ये देखो डायमेंशन, आप किसी भी डायमेंशन से इस पिक्चर को देख सकते हो। ओके, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ, कौन सा डायमेंशन में था यार, देखो इस टूल से भी आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। ओके, और इस ऊपर इस टूल से भी आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जहाँ से भी कर सकते हो। और भी एक तरह से डायमेंशन चेंज होता है, वो मैं आखिर में दिखाऊंगा। ओके, वो बहुत मज़ेदार प्रोसेस है, जो भी हो। ये देखो एक सेकंड, हाँ इन दोनों पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको कांस्टेंट कर दिया। ओके, अब इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल कर देते, इक्वल कर देते हैं। ये देखो, आप वहाँ से दबा कर भी इक्वल कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर में ई बटन दबा के ई इक्वल कर सकते हैं, वो हॉट की है, तो इसको भी हमने एडजस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ से एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। ओके, अपने हिसाब से आर्क को ड्रॉ कर लेना, और इन दोनों पॉइंट को, ओ मैंने क्या सिलेक्ट नहीं किया था यार, इन दोनों पॉइंट को क्यों सिलेक्ट किया, सॉरी मुझे अंडू करना होगा, अंडू कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करना था ना। ओके, मैं बोलते बोलते भूल गया था, जो भी हो।
ये देखो ये भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद और एक लाइन चाहिए, ओके, और एक लाइन आप डायरेक्ट उस डॉट से ही शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। ये देखो मैंने तो इसके बाद इसको भी अलाइन कर लेते हैं, ओके। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, अगर फ्रीकैड में आप नए हो तो कैसे, देखो आप पूरा हिला सकते हो इसे, क्योंकि मैं वो नीचे का जो आर्क है उसका डायमेंशन मैंने अभी तक नहीं दिया, उसको मैं यहाँ से आप डायमेंशन दे सकते हो, ओके, एकदम राइट में, ओके, 5 मिलीमीटर दे दिया। ये देखो नीचे वाला अटक गया, अब सिर्फ ऊपर वाला हिलेगा। इसका भी हम डायमेंशन देते हैं, ये भी अटक जाएगा 5 मिलीमीटर। ये देखो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब इस लाइन को और हम एक एक्सिस को पैरेलल कर दिए, ओके। उसके बाद फिर से एक आर्क लेता हूँ, और देखो आर्क लेने का एक और भी तरीका है, ओके। दूसरा ऑप्शन से लोगे तो ऐसा बनेगा एक बटन, हाँ। आप अगर उस दूसरा ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर क्लिक करके फिर से उसको अलाइन कर दिया। मैं इस शेप क्यों बना रहा हूँ आपको आखिर में पता चलेगा कि असल में क्या बना रहा हूँ, ओके। 5 मिलीमीटर दे दिया। उसके बाद देखो मैं इसका एक डायमेंशन तो मैं 5 मिलीमीटर दे दिया। उसके बाद एक लाइन टूल को देखो, मैं पहले एकदम मैं सीधा ही बनाया, देखो लाइन को मैंने सीधा ड्रॉ किया, अब उसको कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया। इसको जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया, और इसको भी जोड़ देता हूँ, देखो जुड़ गया, ओके, ऑटोमेटिक आर्क एडजस्ट कर लेता है, ओके, कोई बात नहीं। जो भी शेप बना, मुझे पता नहीं कि ऐसा कोई शेप बन जाएगा, बन गया तो कोई बात नहीं। अब देखो ये हम एक गोल बना रहे हैं, अच्छा अंडू कर देते, मैं एक अमेजिंग सा चीज दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो ऑप्शन है, देखो ये जो नीला, ये देखो मैंने दबाया, ये वाला ऑप्शन से देखो हर लाइन नीला नीला हो गया। वो नीला नीला क्या हो गया मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, वो मेजरमेंट के लिए है। हम इस नीले वाले सर्कल से, देखो मैंने एक नीला सर्कल बनाया, इस नीले वाले सर्कल जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो नीला वाला सर्कल प्रिंट आउट नहीं होता, वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए लिया जाता है। मैंने ये नीला वाला क्यों लिया, देखो ये वाला ऑप्शन, ओके, याद रखना इससे नीला होता है और फिर से सफेद भी हो जाता है, क्योंकि मैं नीला वाला ऑप्शन इसलिए लिया ताकि मैं ये जो छोटा छोटा जो राउंड कर रहा हूँ ये मैं कहाँ कर रहा हूँ मुझे पता चल जाए, ओके, मैं एकदम नीले के ऊपर ही कर रहा हूँ, ओके। थोड़ा ज्यादा ही हो गया, इसको हम डायमेंशन दे देते हैं 1.5 मिलीमीटर, ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट। अब हम कंट्रोल दबा के सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के सब कुछ एक साथ सिलेक्ट होता है, याद रखना। अब हम हाँ यस यस, और यहाँ पर हम 1.5 ही दे देंगे, 1.5, ये देखो सब एक साथ हो गया। अब देखो नीला वाला लाइन से, देखो इस बटन याद रखना, उसमें छवि बड़ा करके दे रहा हूँ, देखो नीला वाला मैं लाइन दे रहा हूँ। आप थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाएगा कि नीला वाला असर में है क्या, ओके। उसके बाद आप लोग एंगल एंगल करके मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, ये देखो एंगल कैसे देता है, ये देखो नीला वाला, देखो नीला वाला दिखाई दे रहा है, नीला वाला नहीं दिखाई दे रहा है, नीला वाला सिर्फ मेजरमेंट के लिए है, नीला वाला आपको प्रिंट आउट में दिखाई नहीं देगा, ओके। तो आपको पता चल जाए नीला वाला की क्या काम है। जो भी हो आप, मैं एंगल देने वाला हूँ, ओके, हर जो डॉट है, ये देखो यहाँ पर एंगल होता है, देखा एंगल सामने ही है आंखों के सामने, पर ओफो, ये देखो अब एंगल को सिलेक्ट किया। अब इस डंडी को एक सेकेंड काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, कोई बात नहीं, 5 याद रखना। इस डंडी को और इस डंडी को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम पूरा राउंड मतलब 360 डिग्री/5, क्योंकि 5 ऐसा डंड है, ओके, जो लाइन है 360 डिग्री/5, इन दोनों को भी कर लिया, और इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोकैड फ्रीकैड इसे बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देना पड़ता है 360/5, ओके। अब वो आखिर वाला नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है कितना एंगल होने वाला है, ओके। अब देखो सब कुछ सही है, फिर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नहीं किया, देखो हिल रहा है, ओके। फ्रीकैड को अभी पता ही नहीं कि ये वाला चीज कहाँ पर है, तो मैं इस पॉइंट और नीचे लाइन को कांस्टेंट कर देता हूँ, और लाइन कांस्टेंट नहीं होगा, पॉइंट और पॉइंट को कांस्टेंट करना होगा, ओके।
तो मिडिल पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट को हम कांस्टेंट कर देते हैं इस वाला ऑप्शन से। इन तीनों ऑप्शन से हम कांस्टेंट करेंगे, आपको जहाँ पर जो अच्छा लगे उससे कांस्टेंट करना। ओके, मैं आखिरी वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, उससे कांस्टेंट हो गया। आप देखो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ आगे पीछे जाएगा, मतलब इधर उधर। ओके, आप एक्स एक्सिस के साथ हमने कांस्टेंट कर दिया इसलिए ऊपर नीचे नहीं जा रहा। अब हम वाई एक्सिस के साथ इस पॉइंट और इस पॉइंट को कांस्टेंट कर देंगे। ये देखो कांस्टेंट कर दिया, इस बार मैं इधर का ऑप्शन लेकर कांस्टेंट कर रहा हूँ। ओके, अब देखो डायमेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 दिखा रहा है, अब वो इधर इधर नहीं होगा, सिर्फ घूम रहा है इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 दिखा रहा है। ओके, इसको भी हमें कांस्टेंट करना होगा। पहले वो बड़ा छोटे को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के पूरी सभी लाइन को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद एक सेकेंड, सभी लाइन को सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि सभी लाइन एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सिर्फ एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे। एक लाइन को सिलेक्ट करके उसको डायमेंशन दे देंगे, ऑटोमेटिक सारे लाइन एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि सभी एक साथ जुड़ा हुआ है। ओके, एक सेकेंड हो गया यार, और एक को सिलेक्ट करके दे दिया। ये देखो हो गया, एक को सिलेक्ट करना था। ओके, सभी एक साथ जुड़ा हुआ है, एक को करने से पूरा अपने आप सभी हो जाता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन दिखा रहा है क्योंकि एक घूम रहा है, बड़ा छोटा होना बंद हो गया, अब सिर्फ घूम रहा है। अब मैं इसको भी एक डिग्री दूंगा, देखो डिग्री कैसे देता है। मैं ए वाला, ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मैं इस लाइन को क्लिक किया और नीचे इस लाइन को क्लिक किया और फिर डिग्री बटन को क्लिक किया। ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया, मैं इसको 60 डिग्री कर देता हूँ, 60 डिग्री। ओके, देखो पूरा कंप्लीट हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। और डिग्री कैसे देता है आपको पता चल गया, और इसके बाद पेंट में डिग्री कैसे देता है ये भी बताऊंगा। ये देखो मैंने पैड करूंगा, नीला वाला लाइन नहीं दिख रहा है तो पैड, आप पैड वाला ऑप्शन वहां पर क्लिक कर लेना और इस बटन से आप इसका जो मोटाई उसको कंट्रोल कर सकते हो। ओके, हम इतना मोटा नहीं करेंगे क्योंकि ये जस्ट मैं यू ही कर रहा हूँ। ओके, बस मजे के लिए दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, पतला ही मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे ये कॉलेज का कोई असाइनमेंट नहीं है, मैं जस्ट यू ही कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद इसके बाद देखो क्या होता है। मैं असल में वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, मैं पहले ही ये बना लिया था। ओके, अब क्या करूंगा, देखो इस पैड को अब हम टेक ड्रॉ में जाएंगे। ओके, टेक ड्रॉ में जाएंगे प्रिंट आउट करने के लिए। टेक ड्रॉ में जाने के बाद ए वाला ऑप्शन एकदम इस तरफ ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक पेज खुल जाएगा। उसके बाद बॉडी को सिलेक्ट करते हुए आप ए वाला ऑप्शन दबाना, दबाने के बाद आपको कौन सा मेजरमेंट चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना, वो वाला सामने आ जाएगा। पर हमें इस डायमेंशन नहीं चाहिए, अब थोड़ी देर में देखो मैं क्या करता हूँ। देखो मैं इस तरह से इसको घुमा सकता हूँ 3 डिग्री से, ये मैं माउस से कर रहा हूँ। ओके, वो कोने वाला जो बॉक्स ऊपर जो ऑप्शन, उससे मुझे बोर लगता है यार, इससे कूल लगता है। ओके, इसे बहुत मजा आता है, देखो कैसे हम पूरा 360 जिस भी तरफ हो सके घुमा सकते हैं। ये मुझे करने में बहुत मजा आता है और मैं ये आज ही सीखा हूँ कि करते करते अचानक से हो गया। ट्राई कर रहा था, मुझे लगता था ये नहीं होगा। मैं कॉलेज में जब पहली बार गया था कंप्यूटर क्लास में, तब सर को बताया था कि एक प्रोजेक्ट को 360 कैसे घुमाएंगे। सर बोला था कि तुम बाद में सीख जाओगे करते करते, तो आज मैं सच में सीख गया करते करते, अचानक से हो गया, मैं कहीं से दिखा नहीं, अचानक से माउस को दबाते दबाते कीबोर्ड को दबाते दबाते अचानक से हो गया। कोई बात नहीं, बॉडी को हम एक्स वाई प्लेन में लाते हैं। ओके, क्योंकि मुझे आपको एंगल दिखाना है, अब हम इसको ही ले लेते हैं। ये देखो अब क्या हुआ था, मुझे मैं भूल गया था कि ये देखो छोटा सा बन के आया है ना, मैं भूल गया था कि इसको कैसे बड़ा करते हैं, वो स्केल वाला ऑप्शन कहाँ था। इसलिए मैं मतलब गूगल में यूट्यूब खोलकर अपना चैनल को सर्च करके मैं एक वीडियो छोड़ा था कि स्केल को बढ़ाना कैसे है। मैं आकाश एओटी सर्च करके बाद ये देखो मैं लिटरली मैं उस वीडियो को देखने के बाद उसको मैंने हटाया नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट करा था आपको बताना। ये देखो दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद ए वाला ऑप्शन क्लिक किया, देखो देखा एंगल आ गया। इस तरह से आप एंगल को अप्लाई कर सकते हो फ्रीकैड में। ओके, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, फिर मुझे अपना ही वीडियो देखकर याद होता है। ये देखो आप इस तरह से एंगल दे सकते हो, तो एंगल दे ही दिया है तो हम सभी का डायमेंशन धीरे धीरे दे रहे हैं। देखो मैंने नीचे एक लाइन, नीचे एक छवि दे दिया है। ओके, इस
को यूज करते हुए हम सभी का डायमेंशन देंगे। जिसका भी डायमेंशन देना हो उसको क्लिक करो, उसके बाद ये ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक करो, आप डायमेंशन दे दोगे। ओके, ये देखो सभी का डायमेंशन दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पर फाइल में जाकर प्रिंट रिव्यू करके देख लो कि कैसा प्रिंट हो रहा है। देखो नीला वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए है। उसके बाद यहाँ पर दबा के प्रिंट कर लो, और एक सेकेंड ये बॉडी में जाकर ये देखो, ये वाला मुझे बहुत कूल लगता है ऐसे घुमाने में। वो कौन वो ऊपर ऑप्शन दबा कर घुमाएगा, मुझे ये बहुत मजा आता है यार। ओके, ये देखो हम किसी भी बॉडी को, एक बॉडी है इसको भी हम 360 डिग्री घुमा सकते हैं। एक घुमाने में जितना मजा आता है ना, और किसी में इतना मजा नहीं आता। उसके बाद अब मैंने क्या किया था, ओके वीडियो में इतना ही, सब कुछ डिलीट करके बाय बाय गाइस आज के लिए। तो आपको पता चल गया है एंगल कैसे करना है, तो आज के लिए बाय बाय।